नमस्ते शार्क्स, मैं शुरू करता हूँ एक सवाल से। आपके लिए सबसे प्यारी जगह कौन सी है? हमारा घर। सही, पर क्यों? क्योंकि ईंटों से नहीं जज्बातों से बनता है घर। कितने सपने कितने वादे दिखाता है घर, हर खुशी हर गम में साथ देता है घर, हर कोने की कोई ना कोई कहानी भी सुनाता है घर, क्योंकि ईंटों से नहीं जज्बातों से बनता है घर। क्या बात, ये जज्बात निकल के आते हैं जब हम अपना घर सजाते हैं, क्योंकि घर कहीं ना कहीं हमारी एक पर्सनालिटी का एक्सटेंशन होता है। पर जब भी हम घर सजाने की बात करते हैं तो हमारे सामने दो ही सवाल आते हैं, ये सारा सामान संजोने में कितना समय लगेगा और कितना खर्चा होगा। शार्क्स, हमारे 40 साल के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस से हम कह सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी और यूनिक डिज़ाइन वाला पिक्चर परफेक्ट घर कम समय में और अफोर्डेबल रेट्स में बनाया जा सकता है। अब आप पूछेंगे कैसे? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अर्बन स्पेस। नमस्ते, मैं हूं रोहित अग्रवाल। और मैं हूं राधिका कुलवार। और हम हैं अर्बन स्पेस के co-founders। हम आए हैं अहमदाबाद से। What a cool name! अर्बन स्पेस आपकी सारी होम फर्निशिंग नीड्स को पूरा करता है। हम एक लौटी ब्रांड है जो इतनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे बेडशीट, कर्टन्स, टेबल लिनन, कारपेट्स इत्यादि, जिसमें हमारे 1200 से ज़्यादा SKU हैं। अर्बन स्पेस के सारे ही प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी फैब्रिक से बनाए जाते हैं, जो आप घर बैठे ऑनलाइन हमारी वेबसाइट और अदर मार्केट प्लेसेस के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। और प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल हैं, इसलिए अब आपको दिवाली सेल का वेट करने की ज़रूरत नहीं है अपना घर सजाने के लिए। शार्क्स, हम चाहते हैं कि जब भी कोई अपने घर के सजाने के बारे में सोचे तो अर्बन स्पेस उसका वन स्टॉप होम फर्निशिंग सॉल्यूशन बने। इसलिए आज हमारी आस्क है 1.8 करोड़ फॉर 1% इक्विटी इन आर कंपनी। तो चलिए शार्क्स, मिलकर हम इंडिया के सारे घरों को सजाएं। 180 करोड़ वैल्यूएशन। यस। तो आपकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा क्यों है? अमन जी, इस साल का जो ARR है दैट इज 45 करोड़। अक्टूबर का प्रोजेक्टेड नंबर इज 8 करोड़। लास्ट मंथ वाज 3.65 करोड़। प्रीवियस टू दैट वी वर डूइंग 4.15 करोड़। तो अक्टूबर एबरेशन लग रहा है। नहीं नहीं, दिवाली है। दिवाली है। हां, तो ARR तो फिर उससे नहीं हुआ। नो मैम, सो बाय अक्टूबर एंड हम 29 करोड़ कर चुके होंगे, और अगर हम 7 महीने का एवरेज निकालें तो अगले 5 महीने में हम 16-17 करोड़ तो कर ही लेंगे। 2 साल का रेवेन्यू में बता दो, इस साल का 45 करने वालों, और पिछले साल कितना था? 20.5 करोड़। हम 40 सालों से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में हैं। हम 40 साल से ज्यादा साथ हो? नहीं नहीं, फैमिली बिजनेस। फैमिली 40 साल से टेक्सटाइल बिजनेस में। ओके, आई रिमेंबर हमारे टाइम पे जब हम फंड रेजिंग करते थे, लाइक हस्बैंड वाइफ टीम पूरी जो हायरार्की होती है वेंचर कैपिटलिस्ट की, उसमें सबसे नीचे होती थी। तो हम तो पिच के एंड में डर डर के बोलते थे, एंड डिस्क्लेमर है कि हम मैरिड हैं। बट आई लाइक कि शार्क टैंक इज चेंजिंग थिंग्स, एंड लोग आजकल ओपनली कॉन्फिडेंटली प्राउडली बोलते हैं देयर अ हस्बैंड वाइफ टीम। यस। 2016 में आपने शादी की और तभी ये प्रॉब्लम देख के आपने बिजनेस ये शुरू किया। 2018 में शुरू किया। तो ये आपका आइडिया था? आपका था, किसका आइडिया? नहीं, ई कॉमर्स में जाने का आइडिया इनका था। ओके, ये 1200 जो SKUs है, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि व्हाट आर योर टॉप कैटेगरीज। हमारी मेजर 5 कैटेगरीज हैं। कर्टन्स हमारा 40-45% ऑफ बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट करता है, वेरी लार्ज। हां, एंड वी हैव अराउंड 400 SKUs इन दैट। ओके, बेडशीट इज आवर सेकंड लार्जेस्ट कैटेगरी, दैट इज 30% ऑफ योर बिजनेस। रफली 25%। थर्ड लार्जेस्ट कैटेगरी फॉर अस इज ब्लैंकेट्स, देन table covers, and then carpets. Then we have smaller categories like cushion covers, mattress protectors. और आप अलग कैसे हैं from other players? First of all, we have a backward integration. हमारा खुद का manufacturing setup है, जो हमें quality, speed और pricing में काफी edge देता है. आज हमारा e-commerce marketing spend is only 6-7% for this turnover. और ये पूरा turnover online है? Yes. Yes. Wow, that's good. क्या आप सबसे अफोर्डेबल है ऑन मोस्ट प्लेटफॉर्म्स? नो। तो क्या रीजन है फिर इतने कम मार्केटिंग स्पेंड होने का? वन इज कि ओवर द इयर्स हमने कंपटीशन को आइडेंटिफाई किया है, मतलब मार्केट प्लेसेस पे यू टू आइडेंटिफाई कीवर्ड्स क्या है। वी स्पेंड हेवीली इन आर कैटलॉगिंग, तो हमारे सारे लाइव शूट्स होते हैं, प्रोडक्ट जैसा दिखता है वैसा ही मिलता है कस्टमर को।
हमारा रिव्यू रेटिंग मैक्सिमम प्रोडक्ट्स का 4.5 के आसपास होता है। Let us assume, आप इस साल 40 करोड़ करोगे। अपने साइड पे कितना होगा? 6.5 करोड़। 6.5 तो बाकी? बाकी 85% मार्केट प्लेसेस से आता है, अराउंड 20 CR अमेज़न से आएगा, करीबन 8 CR मिंत्रा से आएगा, करीबन 4-4.5 CR आजियो से आएगा, एंड देन रेस्ट इज फ्लिपकार्ट एंड अदर स्मॉलर कंट्रीब्यूटिंग पोर्टल्स फॉर अस। अपना प्रॉफिट कितना बनता है इस सेल में 45 करोड़? 25% नेट प्रॉफिटेबिलिटी। लास्ट मंथ कितना था? लास्ट मंथ 27% नेट प्रॉफिट। तो मतलब 3.5 करोड़ किया आपने लास्ट मंथ। यस। तो आप कह रहे हो 1 करोड़ रुपया आपने निकाल लिया घर में? सर बैलेंस शीट वही बोलेगी। बैलेंस शीट बोलेगी, जो ना बोलेगी उससे क्या? पर हमने निकाला नहीं है। आप हमारे पास खड़े हो, बैलेंस शीट ही भेज दिया होता। मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। So, आप सर, बोल रहे हो बैलेंस शीट बोलेंगे। So, हमारे रेशियोज के हिसाब से 1 करोड़ मोटा मोटी बना ही होगा नेट। 1 करोड़ आपके घर में बचा लास्ट मंथ। एक चीज बताओ, फिर आए क्यों? आपका बिजनेस सही है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अच्छा ग्रो कर रहे हो। आपको पता है, अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट लेते हो तो आपके पीछे एक फिड्यूशियरी ड्यूटी बन जाती है कि आप उसको रिटर्न्स दो। तो आप वो ट्रेडमिल में चढ़ना ही क्यों चाहते? सर इसी के लिए बोलते हैं कि द राइट इन्वेस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हु कैन अंडरस्टैंड बिजनेस फिलोसॉफी, हाउ द बिजनेस वॉन्ट्स टू ग्रो, और उस हिसाब से हम उसको ड्राइव करें, ना कि हम सिर्फ टॉप लाइन के पीछे जाएं। एज अ कंपनी भी वी आर वेरी फोकस्ड ऑन द बॉटम लाइन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। एक बार फिर यूनिट इकोनॉमिक्स भी समझाई दो, अगर यहाँ तक पहुँच गए। हमारा ASP करीबन 1100 रुपए का है। हमारा जो COGS है दैट इज 33%। हमारा शिपिंग और कमीशन मिला के 16-17% बैठता है। ज्यादा होगा ना कमीशन में, अमेज़न का कमीशन आ गया? तो मोस्टली बिकॉज ब्रांड पॉपुलर है, इसीलिए ज्यादातर पोर्टल्स हमें वेवर्स और रिबेट्स के फॉर्म में सपोर्ट करते हैं। ओह वाओ, तो 17-18% में आपका शिपिंग और कमीशन दोनों आ गया। यस। आगे बढ़ते हैं एक बार। हमारा मार्केटिंग 7% है और हमारे जो अदर एक्सपेंसेस हैं ओवरहेड्स, दैट इज 5%। इसमें से हम कुछ रिटर्न्स माइनस करेंगे, सो रिटर्न ब्रांड लेवल पे 12% है। और 1100 विद GST था, विदाउट GST था ये? विद जीएसटी। तो एक्चुअली तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। कितना GST अपनी कैटेगरी? GST हमारा एवरेज 7% बैठा। 7% रिपीट ट्रैक करते हो? यस। क्या है रिपीट? मार्केट प्लेस पे 25% है और हमारी वेबसाइट पे 31%। लेकिन कभी आप ऐसा देखते हो कि 3 साल में कितने लोग कभी वापस नहीं आए? सर 25% है डॉर्मेंसी। सो 75% पीपल कम बैक एट सम पॉइंट ऑफ द ईयर। वो बहुत अच्छा है। नेट प्रमोटर स्कोर है? यस, 89% जो हमने लास्ट दिवाली पे किया। 89% बहुत अच्छा है। आप अभी लेट्स से 45 crores के ARR पे है। Yes. आप 1000 crore कैसे बनेंगे, कब तक बनेंगे? हमारा फर्स्ट गोल पोस्ट है 100 CR का ARR बाय दिवाली 2025। 2030 तक हमारा गोल पोस्ट है दैट वी रीच 1000 crore टॉप लाइन। हाउ विल यू डू इट? फर्स्ट है हम अपने सिलेक्शन का डेप्थ और ब्रेथ बढ़ाएंगे, हम आगे जाके होम डेकोर में भी जाएंगे। सेकंड इज अभी तक द ब्रांड हैज नॉट इनिशिएटेड अ ब्रांड प्ले, तो जब हम वो करेंगे तो हमारा कैचमेंट एरिया बढ़ जाएगा या ब्रांड पॉपुलर होगा। थर्ड इज हम टीम में इन्वेस्ट करेंगे, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ये इतना बड़ा मार्केट है पर Yes. अभी तक कोई बड़े ब्रांड्स बना क्यों नहीं पाए? इतना अनऑर्गेनाइज्ड क्यों है ये मार्केट? ट्राइडेंट इंडिया है जो डोमेस्टिक में सबसे बड़ा है 1500 करोड़ में, तो उनका भी 3% भी नहीं होगा ना मार्केट शेयर? Yes. तो जो तो ये ब्रांडेड इंडस्ट्री क्यों नहीं? सबसे पहला रीजन ये होता है कि आज तक ये प्रोडक्ट एक फंक्शनल प्रोडक्ट हुआ करता था। अभी बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंज डेकोर हैज बिकम एन एस्पिरेशनल प्रोडक्ट, तो अब अचानक से ग्रोथ के और ब्रांड प्ले के दरवाजे खुल गए। आपने एक इंटीरियर डिजाइनर या तो हायर किया, फिर आपने ये चूज किया कि मुझे पिंक कर्टन्स चाहिए या पर्पल कर्टन्स चाहिए, जो भी चाहिए। फिर आप दुकान में गई जो आपकी लोकल विसिनिटी में होता है, वहां से आप कपड़ा ले आते हो। आपको क्या करना है, कौन सा ब्रांड है? सो फर्स्ट थिंग इज कॉस्टिंग। मिनिमम कपड़ा 600-700 रुपए मीटर आता है। एक फ्रेंच विंडो बनाने के लिए मोटा मोटी 10,000 के 4 कर्टन पड़ते हैं। हाँ वो सही है। हम 2-2500 में वही चीज दे रहे हैं। है, कैसे? यू कैन लुक एट आवर प्रोडक्ट्स, वी हैव प्रोडक्ट्स ऑल्सो। हाय जिसमें मैन्युफैक्चर हुआ है वो आपकी खुद की ही फैक्ट्री है? Yes. वो पेरेंटल बिजनेस को बिलोंग करती है फैक्ट्री या इसी कंपनी ने लगाई वो फैक्ट्री? द लैंड बिलोंग्स टू द पेरेंटल कंपनी, सो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो हमारी है उसमें सिर्फ मोस्टली अर्बन स्पेस का ही प्रोडक्शन होता है
और एक हमारा दूसरा कंपनी है जहां हम व्हाइट लेबलिंग करते हैं दूसरे ब्रांड्स के लिए। उसके लिए एक सेकंड, आप हमारा बोलते हो ना तो कंफ्यूजन ये हो रही है। हमारा मतलब आप दोनों का कि फैमिली का? हमारा। तो हमारा मतलब आपके पास अर्बन स्पेस के अलावा एक बी टू बी बिजनेस भी है। यस, दैट इज नॉट रिलेटेड टू द फैमिली, वो सिर्फ आप दोनों का है। यस, और आज आप पैसा रेस करने आए हैं अर्बन स्पेस में, नॉट इन द बी टू बी। नो, और उसके अलावा एक फैमिली बिजनेस भी है जिसमें आपका शेयर है लेकिन उसमें आप एक्टिव नहीं है। हमारा कोई शेयर नहीं, शेयर भी नहीं है उसमें। 5% ऑफ योर सेल्स इज द रेवेन्यू ऑफ दैट कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो आपकी ही कंपनी है फॉर मेकिंग दिस फॉर यू। उसके पास घर में कितने पैसे बचते हैं? सर, उस कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी 5% है। तो उसको आप ब्रेक इवन पे रखते हो, सारा प्रॉफिट इसमें रखते हो? नहीं, बी टू बी बिजनेस भी बताया था आपने, वो अलग कंपनी में। नहीं, वो यही है जो हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है, वही बी टू बी बिजनेस के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग। तो टोटल उसका प्रॉफिट कितना है? लास्ट ईयर हमने उसमें शायद 12 करोड़ का धंधा किया था। 60-70 तो ही समझा रहा हूं, ज्यादा है। 2 करोड़ आपके लिए करता है और 10 करोड़ बाहर के लिए भी करता है। करेक्ट, अंडरस्टूड। मतलब आप इतना स्ट्रक्चर जब लाते हो ना, जब शार्क टैंक में इतने स्प्लिट स्ट्रक्चर, मेरा इंटरेस्ट यहाँ पर भी है, तो थोड़ा अनइन्वेस्टेबल लगने लगता है इमीडिएटली मेरे को। गाइस, मुझे नहीं लगता आप लोगों को इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। कई बिजनेसेस होते हैं जो इन्वेस्टेबल नहीं होते, जैसे ट्राइडेंट भी, जो लिस्टेड कंपनी जिसका आपने नाम लिया, अगर वो 1500 करोड़ पे पहुंची है इतने सालों बाद, तो आई डोंट नो दिस इंडस्ट्री वेल इनफ कि इतना ग्रोथ हो सकती है। सो आई एम आउट, बट आई जस्ट होप यू गाइस डू वेल। यू नो, आप 200-300 करोड़ के तो बन जाएंगे, बट फॉर मी एज एन इन्वेस्टर टू गेट एन एग्जिट थोड़ा मुश्किल लग रहा है। टुडे आई एम आउट। थैंक यू। अभी तक मुझे ये एक ब्रांड स्टोरी नहीं लग रही है। दूसरी बात यह है कि ये जो कैटेगरी है इसमें ऑनलाइन काफी मुश्किल है, तो आप जो स्केल पे ऑलरेडी हैं, मेरा मानना है कि आप अमेज़न के मार्केट साइज के काफी क्लोज पहुंचने वाले होंगे, तो यहां से आपको स्केल करना ऑनलाइन काफी मुश्किल पड़ेगा। सो दैट्स द रीजन आई एम आउट। आप ऑफलाइन जाने की सोच रहे हो? इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि हम ऑफलाइन नहीं जा सकते, ये शुरुआत है। इसको आगे किस स्पेस पे जाना है, ब्रांडिंग प्ले कब करना है, ऑफलाइन प्ले कब करना है, दैट कम्स विद द एक्सपीरियंस जो हम यहाँ पे सीख करने आए। देखो, अगर आपके बिजनेस को जितना मैं समझा उसका पंचनामा किया जाए, तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप लोग काफी शानदार लगे मेरे को। प्लान ऑफ एक्शन थोड़ा क्लियर नहीं लगा मेरे को, थोड़ा अभी हेजी है। वो मेरे साथ भी होता था, हो जाएगा। प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लॉट ऑफ पीपल वुड बी इंस्पायर्ड लुकिंग एट इट। जहाँ पर वैल्यूएशन आ रही है ना, वहाँ पर थोड़ा सा फ्रिक्शन पॉइंट है मेरा। सारी चीजें आपकी टिक हो रही हैं, गुड एंड गुड फाउंडर्स, एवरीथिंग इज वैल्यूएशन की प्रॉब्लम है, तो वो आप कम कर दो ना। इट्स अ वैल्यूएशन इशू राइट नाउ। इट्स नॉट, अच्छी ऑफर दे दो वैल्यूएशन। या या, सो आई विल डिसाइड दैट ना, लेट मी डू दैट। आई एम हेल्पिंग यू। आई डोंट नीड अ हेल्प ब्रो। आई विल पुट इन दैट 1.8 करोड़, आई नीड 2% इक्विटी एंड आई विल बी टेकिंग अ 5% रॉयल्टी on sales. Yeah, it's high, I know, but margins are also high here. So 5% in royalty up till 1.8 crore becomes 1.5x basically. So that's the offer from my side. Royalty of 5%, very sharky offer. Very sharky offer. देखो यार, इस धंधे में ब्रांड बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, I don't know. As a trusted outlet for selling home goods, वहां पर वैल्यू बन सकता है। वो एक ब्रांड शायद बन सकता है कि अच्छे डिजाइन कैरी करते हैं, क्वालिटी ठीक है, प्राइस बहुत अच्छी है। अमित ने अच्छा ऑफर दिया। मैं एक काम कर सकता हूँ, आपका रॉयल्टी कम कर सकता हूँ। तो मैं आपको एक ऑफर करता हूँ, 1.8 करोड़, आई विल टेक 2% इक्विटी, रॉयल्टी रहेगी साथ में 3% ऑफ योर सेल्स। ओके ओके, अंटिल आई मेक 2x ऑफ माय मनी। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दे की बात, तो मेरा एक कंडीशन है, दैट इज वेरी क्रिटिकल। आपको दोनों कंपनी को मर्ज करनी पड़ेगी। ओह सॉरी, आई ऑल्सो फॉरगॉट टू मेंशन दैट आई हैव द सेम कंडीशन, दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। सर, हमने मैन्युफैक्चरिंग को अलग इसलिए किया है कि हमारा जो खुद का D2C का बिजनेस है वो क्लीन रहे, उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्लियरली दिख के आए। नहीं, फाउंडर यार, हम चाहते हैं कि आपकी ना सारे एग्स इन वन बास्केट हो हमारे साथ, अगर जहां हम पैसा डालें जिस कंपनी में, दैट्स ओनली थिंग। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम होती है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वो होता है जब कोई प्रमोटर अपनी ही कंपनी से या तो अपने रिश्तेदार की कंपनी के साथ ट्रांजैक्शंस या डीलिंग्स करता है। ये देखा जाए तो इल्लीगल नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की इश्यूज आ सकती हैं। इसीलिए इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने के पहले काफ़ी डिलिजेंस करते हैं। हम ये कर सकते हैं कि वो हमारे अंडर में नहीं रख सकते हैं, हम उसको पूरा ही थर्ड पार्टी को कर सकते हैं, बट हम मैन्युफैक्चरिंग को D2C बिजनेस में नहीं इंक्लूड करना चाहते।
आप सोचिए एक मिनट के लिए और आपका डिसीजन दे दीजिए. काफी स्टीप वैल्यूएशन दिया. बहुत स्टीप वैल्यूएशन है. You real desperately want a deal? क्या करना है भाई हमें इसमें? अगर अगर ये ओपन है तो कंबाइन करना है इसमें. कंबाइन कर सकते हैं इसमें. कंबाइन कर सकते हैं. अमित एंड अनुपम, हम रॉयल्टी नहीं करेंगे. इक्विटी में द मैक्सिमम जो हम कर सकते हैं दैट इज 1.25%. भाई भाई मेरे से तो नहीं होगा. मेरे से भी नहीं होगा. मार्केटिंग के लिए आए हो तो आप 1.25% दे रहे हो अपना मार्केटिंग का खर्चा. अगर रॉयल्टी नहीं चाहिए तो कम से कम 5% इक्विटी ईच पर्सन शुड गेट इफ वी कंबाइन. ना आप पहले बोल रहे थे आप मेंटोरशिप के लिए आए हो, अब एज अ आप इसको प्राइस राउंड बनाना चाह रहे हो. अमित आई डिसएग्री. एक वैल्यू होती है एक बिजनेस की क्योंकि वो खड़ा किया गया है. बिल्कुल. तो ये राउंड रेस करने नहीं आए हैं, बट एक हमने बहुत फेयर आस्क 4x मांगा है प्रॉफिटेबल बिजनेस का, जिसका एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट 50 करोड़ के ऑलमोस्ट आसपास है. आप ये सोचिए हमारा पैसा कब बनेगा, जब आप 1000 करोड़ की वैल्यूएशन कम से कम करोगे विदाउट फर्दर डाइल्यूशन. आज आपको वो गुंजाइश दिख रही है यहाँ बैठ के. एज एन एंटरप्रेन्योर यू विल से यस क्योंकि आप ऑप्टिमिस्ट हो, लेकिन बिजनेस एनालिसिस की ओर से देखें तो बहुत अनलाइकली है. तो प्लीज अंडरस्टैंड इट हैज टू बी अ विन-विन. यस सर. देखो आप मुझे लग रहे हो आप बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हो. यू आर नॉट लुकिंग फॉर मेंटोरशिप, यू आर लुकिंग फॉर अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म. वो आपको ऑलरेडी मिल गया है. आई विश यू द बेस्ट. आई एम आउट. बट अनुपम मे बी इट्स नॉट जस्ट दैट दे आर वेरी क्लियर कि उन्हें क्या चाहिए, कितना डाइल्यूट करना. सी नमिता, आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन. अगर आपको आपका डील नहीं मिला, लेट मी एक्सप्लेन. एंड आई विल टेल यू एज फाउंडर्स, अगर आप मार्केटिंग के लिए भी आ रहे हो तो क्या बुरा है? अच्छा है मार्केटिंग मिल रहा है. अरे मैं कहां कह रहा हूं बुरा है, मैं कह रहा हूं मेरे से नहीं हो पाएगा यार. तो अभी कहां है डील? इट्स क्लोज. रॉयल्टी ऑन द टेबल नहीं है. दैट्स फाइन गाइस, वी विश यू ऑल द बेस्ट. ग्रेट बिजनेस, बिल्ड समथिंग लार्ज. थैंक यू. टेक केयर. चलो.